हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को पहले देख लेते हैं। देखो द पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 केजी ऑफ सर्टेन रॉ मेटेरियल परचेस्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग जून वेयर एज फॉलो। लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर। ये हमें देखिए द पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 केजी ऑफ सर्टेन रॉ मेटेरियल परचेस्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग जून वेयर एज फॉलो। 1200 केजी का रॉ मेटेरियल से ड्यूरिंग जून परचेज करने का हमें बोला। लॉट अप टू 1000 केजी 22 रुपीज के रेट से रेट है यहां पर। बिटवीन 1000 से 1500 केजी 20 रुपीज पर केजी के रेट से है। बिटवीन 1500 से 2000 केजी जो है इसका रेट आपका कैसे है यहां पर 18 पर केजी के रेट से है। ट्रेड डिस्काउंट यहां पर 20% है। ट्रेड डिस्काउंट 20% है। एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर आपका रुपीज 10 पर ड्रम 25 केजी का है। यानी एक जो ड्रम है ना उसमें 25 केजी रॉ मेटेरियल को रखा जा सकता है और एडिशनल चार्ज उसके लिए एक ड्रम का चार्ज लगता है ₹10 करके। क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर रिटर्न करने पे ₹8 का कंपनी रिटर्न भी कर देती है, 10 में से ₹8 रिटर्न भी कर देती है। फिर जीएसटी एट द रेट ऑफ 10% ऑन रॉ मेटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम्स। रॉ मेटेरियल के ऊपर 10% के रेट से जीएसटी लगता है और ड्रम के ऊपर 5% के रेट से जीएसटी है। टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर है 240 और इंश्योरेंस 2.5% ऑफ द नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर है। स्टोर ओवरहेड अप्लाइड एट 5% ऑफ टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड द एंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शंस। पूरा का पूरा क्वांटिटी रिसीव भी किया गया और प्रोडक्शन में इशू भी कर दिया गया। फिर हमें बोला यहां पर कंटेनर्स आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स, ड्रॉप द सुटेबल स्टेटमेंट टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल परचेस्ड। एक बार देखो ध्यान से, हमें टोटल 1200 केजी यहां पर परचेज करना है। 1200 केजी अब सर्टेन रॉ मेटेरियल्स परचेस्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग जून है और लॉट प्राइस कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर। 1000 केजी तक खरीदेगा तो 22 का रेट है। 1000 से 1500 केजी के बीच है तो 20 पर केजी रेट है। 1500 से 2000 केजी तक परचेज करेगा तो 18 पर केजी का रेट है और ट्रेड डिस्काउंट 20% का है। तो हम लोग पहले रॉ मेटेरियल का यहां पर प्राइस फाइंड करते हैं। 1200 केजी अगर परचेज करता है, मेरी बात ध्यान से देखोगे तो किस में फॉल करेगा, इसमें इसमें या तीसरा वाला में। अगर 1200 केजी का परचेज करेगा तो किस में फॉल करेगा, पहला दूसरा या तीसरा में किस में फॉल करेगा यह बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन को गोली मार दो, फर्स्ट क्वेश्चन हम दोबारा से उसको देखते हैं। इसमें से बता दो मेरे को, सेकंड वाले में फॉल करेगा। सेकंड वाला मतलब रेट कितना का लगेगा उसके लिए। रेट यहां पे 1200 केजी का 20 के रेट से लगा दो यहां पर। 1200 इंटू 20 24,000 आ जाएगा, 20 का रेट लगेगा तो ठीक है ना। चलो इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं। सेकंड नंबर हम लोग करते हैं, सेकंड नंबर टू नंबर, टू नंबर अपने पेज नंबर वन पे ही है। क्वेश्चन टू पेज नंबर वन लिखिएगा। स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड यूनिट कॉस्ट। पार्टिकुलर्स यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हमें 1200 केजी का मटेरियल परचेज करना है और इस तीन तो लॉट है। 1000 तक खरीदेंगे तो 22 का रेट देगा, 1000 से 1500 के बीच परचेज करेंगे तो 20 का, और हम परचेज करने वाले हैं 1200 केजी तो हमारा रेट लगेगा 20 का।
तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बेसिक प्राइस ऑफ मेटेरियल, बेसिक प्राइस ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल यहां पे लिख दो आप 20 और 1200 केजी इंटू 20 कर दो, 24,000 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेटेरियल्स के बाद इसमें आप देखोगे ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, तो 24,000 का आप 20% कर दो, 4800 आएगा, और 4800 को आप 1200 से डिवाइड कर दो, ध्यान देना 4800 को डिवाइड बाय 1200 आप कर दो तो आ जाएगा 4, क्लियर है। इसमें से ये 16 हो जाएगा और 24,000 माइनस 40, थोड़ा माइनस माइनस करके बोल सकते हो तुम लोग, पूरा डिपेंड हो गए हो, 19,200 माइनस माइनस करके बोल देगा तो जल्दी जल्दी होगा और क्या। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, इसमें ऐड क्या करेंगे ध्यान दो, हम ये जो लाइन यहां से यहां तक लिखा था ना, बस आपको भुलाने के लिए लिखा था इतना सारा लाइन, ये जो तीन लाइन लिखा था इसमें से तो हमारा काम बस एक ही लाइन आएगा बीच वाला, और कोई लाइन अपने काम में आने वाला है नहीं, वो एक्स्ट्रा में लिख के दिया, ट्रेड डिस्काउंट हमने कर लिया। कंटेनर में अगर हम 1200 केजी खरीद रहे हैं, ध्यान दो मेरे बच्चों, 1200 केजी अगर हम परचेज कर रहे हैं, एक कंटेनर में सिर्फ 25 केजी आएगा, यानी 100 केजी परचेज करने के लिए हमें चार कंटेनर चाहिए, 100 केजी परचेज करने के लिए चार कंटेनर चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1200 केजी परचेज करने के लिए कितना नंबर ऑफ कंटेनर लगेगा ये हमें बता दो। अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि 100 केजी परचेज करने के लिए चार कंटेनर हमें लगेगा, तो 1200 केजी परचेज करने के लिए कितना नंबर ऑफ कंटेनर लगेगा ये बता दो। 1200 केजी के लिए कितना, कोई बताया? 48 कंटेनर लगेगा, 48, दो बच्चों ने, तीन बच्चों ने हमें रिप्लाई किया 48 कंटेनर लगेगा, ठीक है भाई, 48 कंटेनर लगेगा, एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का, 48 कंटेनर लगेगा, एकदम सही। और एक कंटेनर के लिए कंपनी वाला कितना चार्ज कर रहा है, एक कंटेनर के लिए ना एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर 10 रुपया पर ड्रम ऑफ 25 केजी ले रहा है, तो हम लोग यहां पे 10 रुपया करके 480 रुपीज यहां पर पेमेंट करने वाले हैं ड्रम चार्जेज, उसका भी वह चार्ज ले रहा है तो देना पड़ेगा ड्रम चार्जेज, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 1200 बाई 25 कर देंगे तो नंबर ऑफ कंटेनर निकल जाएगा, और एक कंटेनर का ले रहा है कितना अपने 10 रुपया करके, तो 480 रुपीज, और यहां पे रेट हो जाएगा अपना कितना, 480 बाई 1200, 480 डिवाइडेड बाई 1200, 0.4 केजी के हिसाब से तो 0.4 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद से ये आ जाएगा अपना 16.4 और ये आ जाएगा, या इसको ऐड करना नहीं है ना, क्योंकि मटेरियल के ऊपर भी जीएसटी है और कंटेनर के ऊपर भी जीएसटी है, इसको अभी रहने दो, ऐड करो इसमें जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी का रेट देखो क्या है, जीएसटी एट द रेट ऑफ 10% ऑन रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के ऊपर 10% का रेट से जीएसटी है, और ड्रम के ऊपर 5% का रेट से जीएसटी है। तो रॉ मटेरियल हमने कितने का खरीदा है, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया 19,200 का, तो 19 रॉ मटेरियल के ऊपर 19,200, इसका अपने कर दो कितना 10%, यह आ जाएगा 1920। ड्रम का 480 है,
480 का ड्रम हमने परचेज किया, इसके ऊपर जीएसटी है 5%, तो 480 का आप कर दो 5%, 24, टोटल जीएसटी आ जाएगा आपका 1944, और 1944 को डिवाइड कर दो आप 1200 से तो 1.62, ये आ गया अपना। अब नेट इनवॉइस वैल्यू यहां से निकलेगा, जीएसटी वेस्टी ऐड करके नेट इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू 16 प्लस 0.4 प्लस 1.62 18.02, और ये 19200 प्लस 480 प्लस 1944 21624। अब इसके ऊपर हमारा और जो चार्जेस लग रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे। इंश्योरेंस बोला है नेट इनवॉइस वैल्यू का 2.5%, तो पहले हमें नेट इनवॉइस वैल्यू फाइंड करना जरूरी था, इसी के ऊपर हमारा इंश्योरेंस चार्ज लगेगा, इसी के ऊपर इंश्योरेंस चार्ज हमारा लगेगा, तो ऐड कर देंगे परचेजर का, परचेजर को यह पे करना है इंश्योरेंस चार्ज, तो यहां पे लिख दो आप इंश्योरेंस चार्जेज, इंश्योरेंस चार्जेज कितना आएगा, इंश्योरेंस चार्जेज इनवॉइस का 21624 का 2.5%, इनवॉइस का 2.5 इंटू 2.5% 540.6 डिवाइडेड बाय 1200 0.45 इतना आ गया हमारा। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम लोग फ्रेट, फ्रेट कैसे लेना है हमें, फ्रेट हमारा बोला है 240 रुपीज का टोटल फ्रेट है, तो 240 ले लो आप, 240 डिवाइडेड बाय 1200 0.2 फ्रेट 0.2 आ गया आपका। इसके आगे हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, और जो यहां पे एक लाइन दिया हुआ था क्रेडिट अलाउड टू रिटर्न ऑफ कंटेनर्स ₹8 पर ड्रम, हम ड्रम जब लौटाएंगे तो ₹8 का हमारा जो मनी जमा किया हुआ कंटेनर का वो ₹8 हमारा रिफंड हो जाएगा, रिफंड क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट फॉर ड्रम रिटर्न को हम लोग लेस करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट फॉर ड्रम रिटर्न्स। 48 कंटेनर हुआ था ना 1200 इंटू ₹8 करके ये तो 48 इंटू 8 कर दो ना 384 और डिवाइडेड बाय 1200 0.32 ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ये सब तो खर्चा लग रहा है ना अपना इंश्योरेंस का फ्रेट का ऑफ मटेरियल परचेज्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड ऐड करके बताओ आप लोग, एक जन डेसिमल का कॉलम को ऐड करके बताओ, एक जन अमाउंट का कॉलम को ऐड करके बताओ फटाफट लाइव में, अब जो क्लासेस कर रहे हो बच्चे लोग बताओ जल्दी से, वेट कर रहे हैं हम। 18.02 प्लस 0.45 प्लस 22,020.6
22,020.6, और रेट वाला कॉलम का, रेट वाले कॉलम का, रेट वाले कॉलम को भी ऐड करो भाई। एग्जैक्ट एटीन पॉइंट थ्री फाइव कोई बोल रहा है, 18.37 कोई बोल रहा है, 18.35 ज्यादा लोग बोल रहे हैं। चलो 18.35 हमने लिख दिया। इसके बाद और कुछ रह गया हमारा, स्टोर ओवरहेड। ये देखो, स्टोर ओवरहेड अप्लाइड एट 5% ऑफ टोटल परचेज कॉस्ट। तो नाउ वी हैव कंप्यूटेड द टोटल परचेज कॉस्ट, उसका 5% स्टोर ओवरहेड है। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर, ऐड कर दो स्टोर ओवरहेड 22,020.6 का 5%, 22,020.6 का 5%, 1101.03, 0.92 ये अप्रोक्स हो जाएगा, 0.9175 आ रहा है वैसे। अब आप यहां पे ऐड कर दो, मटेरियल कॉस्ट निकल जाएगा, इशूड फॉर प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट इशूड फॉर प्रोडक्शन निकल जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ऐड करके लिख डालो, ऐड करके अपने अपने कॉपी में लिख डालो, खत्म बात। और जिसको बोलना है बोल भी दो, मैं लिख लूंगा, ऐड करके लिख डालो। लिखा क्या आपने, 19.2675, ठीक है। टोटल वाला, टोटल वाला भी बता दो भाई, टोटल भी कोई बोल रहा है क्या, 23121.63 ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अभी के लिए एक बार इग्नोर करो, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ कमी है, उसमें डेटा पूरा नहीं दिया हुआ, इनकम्प्लीट है, उसमें इनकम्प्लीट क्वेश्चंस कैसे करें, हम अपने मन से कुछ लिखाएंगे गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए वैसा क्वेश्चंस हम दूसरे सेशन में देख लेंगे। चलो इसके बाद अपने इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाओ आप लोग। मेसर्स ट्यूब्स लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पिक्चर ट्यूब्स ऑफ टीबी, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2017। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000 ट्यूब्स का, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000 ट्यूब का है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 पर ऑर्डर है, रुपीज वन मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम है। कॉस्ट ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब को खरीदने के लिए 600 रुपया खर्च करना पड़ता है, रुपीज 600 पर ट्यूब है। इसके बाद नॉर्मल यूसेज 150 ट्यूब्स पर वीक है, मिनिमम यूसेज 60 ट्यूब पर वीक है, मैक्सिमम यूसेज 220 ट्यूब्स पर वीक है। मतलब ये सब का मतलब आपको पता, नॉर्मल यूसेज, एवरेज यूसेज, मिनिमम कम से कम 60 ट्यूब्स पर वीक तो यूज होगा ही, मैक्सिमम 220 ट्यूब्स। लीड टाइम टू सप्लाई 8-10 वीक है। कंप्यूट फ्रॉम द अबव इकोनॉमिक ऑर्डर इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1950 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। इकोनॉमिक ऑर्डर निकालो और बोला है कि सप्लायर अगर बोल रहा है कि वह क्वार्टरली 1950 यूनिट सप्लाई करेगा 8% के डिस्काउंट पे, तो क्या यह वर्थी है परचेज करना?
रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और उसके बाद से मैक्सिमम स्टॉक लेवल, हमें सभी कुछ फाइंड करना है इस क्वेश्चन से, सभी कुछ यहां पे हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन से। देखो हम लोगों का यहां पे क्वेश्चंस बहुत यूनिक है, क्वेश्चंस बहुत यूनिक है। अपने को ना यहां पे ए कितना दिया हुआ है कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? लाइव में इतने सारे बच्चे हैं, कोई मुझे बताएगा कि ए कितना एनुअल कंजम्पशन? कोई भी बता पाएगा एनुअल कंजम्पशन इसका कितना है? What is the annual consumptions? नहीं, नहीं बता पाएंगे बच्चे। कोई भी बच्चे मेरे को अभी तक नहीं बता पाए हैं कि इसका annual consumptions कितना होगा, क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल है, बता सकते थे आप लोग। ये जो बोला है ना, ये नहीं ले सकते हो एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, ये हमारे प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड है, ये प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड है, समझ आ रहा है? और हमें अपने फैक्ट्री के रॉ मटेरियल एनुअल कंजम्पशन से यहां पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर नॉर्मल यूसेज पर वीक जो है ना, उसको 52 वीक्स इन अ ईयर होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पेज नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 2 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको लिखेंगे एनुअल कंजम्पशंस। एनुअल कंजम्पशन नॉर्मल यूसेज इनटू इनटू नंबर ऑफ वीक्स, इन ईयर नॉर्मल कंजम्पशन हमारा है 60 का, दिख लो आप लोग 150 इंटू 52 कर दो आप, 7800, ये आ जाएगा आपका 7800 ट्यूब्स, ठीक है? ओ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया गया है? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150 पर ऑर्डर है, 150 रुपीज। सी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, पूपा आपको बताया गया है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये कॉस्ट ऑफ वन ट्यूब इनटू परसेंटेज कर देते हैं हम लोग, है ना? तो कॉस्ट ऑफ वन ट्यूब है 600, उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 120, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमारा निकल गया 120 रुपया, ठीक है ना? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमारा यहां पर आ गया 120 रुपीस, कैरिंग कॉस्ट पूपा हमारा आ गया 120 रुपया, ठीक है ना? इसके बाद से हम लोगों का ट्वेंटी परसेंट पर एनम है कॉस्ट, ठीक, वन ट्वेंटी आ गया हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर देंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रूट अंडर टू ए ओ बाई सी, टू इंटू
7800 इंटू 150 बाई 120 सॉल्व कर दो। वन थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स फोर। आप इसको 7800 इंटू टू इंटू थ्री रूट अंडर टू ए ओ बाई सी ये सॉल्व करके कितना आ रहा है आप लोगों का 139.64 आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है 139.64 मतलब 140 आप ले लो 140 ट्यूब्स अप्रोक्स 140 ट्यूब्स आपका अप्रोक्स ये आ जाएगा। सप्लायर अब हमें क्या ऑर्डर कर रहा है यहां पर, सप्लायर हमें बोल रहा है ना कि आप 1950 If the supplier is willing to supply quarterly 1950 units, quarterly अगर 1950 देगा तो हमें ईयर में 1950 इंटू फोर करो 7800 आ जाएगा। 1950 इंटू आप फोर करोगे तो 7800 मतलब एनुअल कंजम्पशन हम परचेज कर लेंगे। अगर हम 139.50 करके परचेज करेंगे तो हमें ईयर भर में सिर्फ चार बार ही परचेज करना पड़ेगा, सिर्फ चार बार मतलब चार बार हमें ऑर्डर करना होगा बस, ओनली फोर टाइम्स। तो हम यहां पे डिसीजन में लिखेंगे इफ सप्लायर इज विलिंग, आप लिखोगे फटाफट मेरे साथ, इफ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई 1950 ट्यूब्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, देन टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पहले मटेरियल फाइंड कर लो, कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स फाइंड कर लो। 7800 ट्यूब्स इंटू रुपीज 600 करके, अच्छा इस बार डिस्काउंट पे भी तो दे रहा है ना हमें 8% का डिस्काउंट पे, तो 600 का 92% कर दो आप, 92% 8% का डिस्काउंट देगा तो 7800 इंटू 600 का 92% 552 रुपीज करके इंटू 7800 43 लाख 5600 इतना रुपीज आ जाएगा। ऐड कर दो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कैसे निकलेगा? चार बारी सिर्फ ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 7800 बाई 1950 इंटू एक ऑर्डर के लिए लगेगा 150 रुपीज, एक ऑर्डर के लिए लगेगा 150 रुपीज, 1950 करके परचेज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना रुपीज 600, और ऐड कर दो कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट। वन नाइन फाइव जीरो बाई टू एवरेज इन्वेंट्री इंटू 552 रुपीज करके परचेज करेगा, अब उसका कर दो आप 20%, 20%। तो 1950 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा आपका 975, और 552 का आप कर दो 20% तो आएगा आपका 110.4 इंटू 975, 107640, 107640 ये आ जाएगा टोटल। टोटल ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। फोर थ्री जीरो टोटल कॉस्ट ऐड करके बोलो आप लोग, टोटल कॉस्ट ऐड करके बोलो भाई कितना आएगा। टोटल कॉस्ट को ऐड करके बोलो, और विदाउट डिस्काउंट हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट 4413840, 4413840 ठीक है। विदाउट डिस्काउंट निकाल लो, विदाउट डिस्काउंट निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ ट्यूब जानते हो कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्यूब हो जाएगा सिर्फ 7800। ट्यूब एक साल में हम लोग परचेज करेंगे 600 रुपया करके, 7800 ट्यूब परचेज करेंगे, 7800 इंटू 600 46,80,000। और यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 7800 में नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए 139.64 से डिवाइड कर दो, 7800 डिवाइडेड बाय 139.64 55.85, मतलब 56 ऑर्डर हो जाएगा इंटू एक ऑर्डर का 150 रुपया। हम राउंड फिगर में 56 अगर लेते हैं तो 56 इंटू 150 8400, और टोटल कैरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट ये कैसे निकालेंगे, ईओ क्यू बाई टू मतलब 140/2 इंटू 600 का निकाल दो आप कितना परसेंट, 20%। तो 70 × 120 ये भी आएगा 8400। टोटल कॉस्ट यहां पे आपका आ जाएगा कितना, 46,80,000 प्लस 8400 प्लस 8400, 46,96,800, 46 लाख। और यहां पर देखो टोटल कॉस्ट कम आया था, तो सप्लायर का ऑर्डर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कम कॉस्ट लग रहा है ना, कम कॉस्ट लग रहा है तो लिख लो टोटल कॉस्ट अंडर क्वार्टरली सिस्टम, वहां पे कंक्लूजन में लिख लो टोटल कॉस्ट अंडर क्वार्टरली सिस्टम, अंडर क्वार्टरली सिस्टम, टोटल कॉस्ट अंडर क्वार्टरली सिस्टम ऑफ 1950 यूनिट्स, ऑफ 1950 यूनिट्स, 1950 यूनिट्स इज लेस देन द, लेस देन द, देन द 140 यूनिट्स, लेस देन द 140 यूनिट्स,
140 यूनिट्स, ऑफ ऑर्डर साइज, 140 यूनिट्स ऑफ ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, फुल स्टॉप देखे। सो वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ सप्लायर, सो वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ सप्लायर, वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ सप्लायर, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ सप्लायर। ऑर्डर ऑफ सप्लायर, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं रिवीजन के साथ, और जो एक करेक्शन